Now let's move to the second topic, that is ecology. Ecology का अगर मतलब समझें तो वो दो वर्ड से मिलके बनाए, oikos और logy. Logy का तो सबको पता होता है, logy का मतलब होता है, जहां भी logy लग जाए तो उसका मतलब होता है study, और oikos का मतलब है होम. ये ग्रीक टर्म्स है, होम यानी होम की स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स. एक और नई टर्म आ गई, इकोसिस्टम. ये क्या है? एनवायरमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वी विल टॉक अबाउट इकोसिस्टम. इससे हमें पता चल जाएगा इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स. ये टर्म पहली बार किसने दी थी? अर्नस्ट हैकल. कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक रेफरेंस के लिए ध्यान रखिएगा. अर्नस्ट हैकल ने एक कॉइन किया था ये टर्म को. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. अब सिस्टम की बात करते हैं तो यानी कि इसमें क्या है कि एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जिससे एनर्जी फ्लो हो, न्यूट्रिएंट फ्लो हो. किसमें हो? एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में, यानी कि आपस में वे इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के. वो स्पीसीज काफी स्पेसिफिक हैं, लिमिटेड हैं एक एनवायरनमेंट के लिए, और आपस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं जिससे कि उनके एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन में होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे एनर्जी न्यूट्रिएंट का फ्लो उस तरह से होता है जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर बनी रहे, उनका सर्वाइवल होता रहे, और मटेरियल्स हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए आपस में एक्सचेंज होते रहे. छोटे से इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक सन है. सन की जो फ्री एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ट्री करते हैं उसको फूड में, फ्लावर्स में. वो एनर्जी कंज्यूम की जाती है किसके द्वारा? प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा, जिसको हर्बीवोर्स भी बोलते हैं. इन टर्न ये प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं, जिसको कार्निवोर भी बोलते हैं, यानी मांसाहारी. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? मटेरियल का, न्यूट्रिएंट का, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और फाइनली ये वाले जो कार्निवोर्स हैं ये डिकम्पोज होते हैं. डिकम्पोज कौन करता है? फंगी, बैक्टीरिया, वॉर्म्स हैं, इन तरह इन की वजह से ये डिकम्पोज होते हैं. डिकम्पोज होने के बाद इनमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और भी कई सही कंपोनेंट निकल के वापस सॉइल में जाते हैं. सॉइल में जाने के बाद वापस ये ट्रीज की रूट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं, और फिर से एक एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइकिल शुरू हो जाता है. तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ये पूरा एक प्रोसेस है, इंटरेक्शंस हैं. इट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई. अभी हम आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, यानी कि प्लेनेट अर्थ पे इकोलॉजी में हमारी में बहुत सारे लेवल पे ऑर्गेनिज्म है. इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, तो बहुत सारे लेवल पे वो ऑर्गेनाइज्ड होता है. तो लेवल क्या क्या है इकोलॉजी के, वी विल डिस्कस. पहला है इंडिविजुअल, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर बायोम एंड बायोस्फीयर. ठीक है, तो ये हायरार्की है, यानी कि अब जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस डायग्राम में, तो इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है. ये क्या है, ये टर्म्स कैसे हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं आने वाली स्लाइड्स में. लेकिन पहले, उससे पहले आप इकोसिस्टम का कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए. आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इकोसिस्टम क्या है. राइट, ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है, कुछ स्पीसीज रह रही है, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो रहा है. राइट, अच्छा इकोसिस्टम की थोड़ी सी और बात करते हैं कि बहुत सारी इकोसिस्टम मिलके, इकोसिस्टम वन, इकोसिस्टम टू, ये बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम मिलके एनवायरनमेंट मिलते हैं. जैसे हमने देखा था ना, एक एनवायरनमेंट में, एक लैंडस्केप में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं. पॉन्ड का अलग इकोसिस्टम चल रहा है अपना, ट्री का अलग इकोसिस्टम चल रहा है. तो ये सबको मिला के क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है. ठीक है,
और ये क्लियर है कि बहुत सारे साइजेस के, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं इकोसिस्टम, जैसे एक एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। इकोसिस्टम में मैटर और एनर्जी कंजर्व होती है, ये लिख लो, याद कर लो, इकोसिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहती हैं और एनर्जी फ्लो होती है सिस्टम के थ्रू। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो भी जाता है डिकम्पोज होकर वापस आ जाता है या फिर किसी और फॉर्म में वापस आ जाता है, वो साइकिल में घूमता रहता है, राइट। तो नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज लेवल्स, लेकिन ये होते क्या है वो हम जानना शुरू करते हैं। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सबको पता है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, यानी वो कोई भी हो सकता है, एक सिंगल, यानी एक प्लांट है उसको इंडिविजुअल बोला जाएगा, एनिमल है, फंगी है, बैक्टीरिया है, मैन है, वो इंडिविजुअल कहलाएगा। और जब वो इंडिविजुअल बहुत सारे हो जाएंगे उनको कह देंगे पॉपुलेशन, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाएंगे डेफिनेट एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि 1991 में, या हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लीजिए कि 1991 में इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 75 करोड़ थी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आई आपने गौर किया, 1991 यानी कि मैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, राइट, और इंडिया यानी मैं स्पेसिफिक एरिया की बात भी कर रहा हूं। यहां पर देखो, डेफिनेट एरिया और स्पेसिफाइड टाइम, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये दो फैक्टर में ध्यान रखने पड़ेंगे, स्पेसिफिक एरिया हो और स्पेसिफाइड टाइम भी हो, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबको पता है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉजिटिव का मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। लिमिटिंग फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक भी हो सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे फैक्टर जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री की बात करते हैं, ट्री में क्या होगा कि लिमिटिंग फैक्टर सनलाइट है, यानी कि अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उनकी ग्रोथ इम्पैक्ट करेगी, तो लिमिटिंग फैक्टर हुआ। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर, आपने सुना होगा उत्तराखंड में या फिर कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर हुई थी, तो वो लिमिट करते हैं कि ग्रोथ हो रही थी, अचानक से फॉरेस्ट फायर लग गई और काफी ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो पहले पॉपुलेशन 10,000 ट्रीज की थी अभी सिमट के सिर्फ 1,000 ट्रीज ही रह गए, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो इस तरह के लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय द एरिया दे ऑक्यूपाई, राइट। नाउ कम्युनिटी, हमने इंडिविजुअल क्या होता है देख लिया, पॉपुलेशन क्या होती है देख ली, कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन मतलब इंडिविजुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म, और पॉपुलेशन का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसी के। अब कम्युनिटी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी सारी स्पीसीज, यानी बहुत सारी स्पीसीज की हम बात करते हैं तो वो कम्युनिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कम्युनिटी, यानी कि इसमें कई सारी कम्युनिटी स्पीसीज रह रही हैं, ये यहाँ पर रह रहा है, बर्ड्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, यहाँ पर कोई और रह रहा है, यहाँ पर फंगस है, तो ये सारी चीजें अगर एक साथ रह रही हैं तो इनको मिला के क्या बोलते हैं, इन स्पीसीज को मिला के क्या कहते हैं, यानी डिफरेंट स्पीसीज को कम्युनिटी, राइट। बहुत छोटे हैं, सिर्फ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है इन पे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक अब आइडिया रख लीजिए। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, सो वी आर स्किपिंग दिस। बायोम, बायोम का जैसे देखो स्कोप बढ़ते जा रहा है, पहले एक था फिर एक के बहुत सारे हो गए, अब बहुत सारे के अलावा उसमें
अलग अलग टाइप की स्पीसीज आ गई, इसमें इनमें आपस में सब चीजों में इंटरेक्शन होने लग गए, अब एक बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा बायोम, यानी कि बायोस्फेयर का ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है। बायोस्फेयर क्या होता है कि लैंड है, यहाँ पे ओशियंस है और यहाँ पे एटमोस्फियर है, यानी ये तीनों जहां पे मिलते हैं और जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, यहाँ पे लिविंग बींग रह रहे हैं, वो पार्ट कहे जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहीं भी हो सकता है, यानी ये एरिया लैंड में भी आ सकता है, ओशन में भी आ सकता है, राइट। तो जो लैंड वाला पार्ट है इस बायोस्फीयर का, दैट विल बी कॉल्ड बायोम। टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, फॉर एग्जांपल टुंड्रा, टैगा फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक रीजंस की बात करेंगे तो हम सारे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, जनरल सोइल टाइप्स, यानी के बायोम के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो किससे इन्फ्लुएंस होंगे, वहां के क्लाइमेट से, वेजिटेशन से, यानी उस एक पर्टिकुलर बायोम की वेजिटेशन, क्लाइमेट, एनिमल लाइफ, जनरल सोइल टाइप एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यानी के नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नो टू बायोम्स आर सिमिलर, यानी दो बायोम है आपस में सिमिलर नहीं होंगे। अगर हम कूल डेजर्ट कह रहे हैं, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कूल ग्रासलैंड्स, ये टुंड्रा है, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम टैगा, ठीक है। और क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्री है, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो मेनली वील टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। ये याद कर लीजिएगा कि जो क्लाइमेट है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो क्लाइमेट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, दे आर प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है, हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, यानी कि आकाश से जो गिरता है पानी कंडेंस्ड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। तो क्लाइमेटिक रीजन है जो प्लेनेट अर्थ के हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बायोम्स। हम क्लाइमेटिक रीजन को, जो कि प्रीलिम्स का बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा इस तरह से हम बात करेंगे, वो आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस होगा। बट बायोम क्लियर हो गया, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, क्लाइमेट डिटरमाइन करता है बाउंड्री की, और दो बायोम आपस में सिमिलर नहीं होते। कौन कौन से बायोम्स है, मेन बायोम्स है, हमने बात की टुंड्रा हो गया, बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट मतलब ये टैगा को ही बोल देते हैं, टैगा टाइप के फॉरेस्ट है, साइबेरियन फॉरेस्ट टाइप में, ठीक है। ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सवानाज हैं, ये सारी चीजें बायोम्स हैं, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं, एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा, एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। बायोस्फीयर हमने ऑलरेडी बात कर ली, बायोस्फीयर क्या होता है कि एटमोस्फियर, ये देखिए नीचे वाली पिक्चर में देखिए, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और जियोस्फियर, यानी जो लैंड है वे आपस में मिलते हैं, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फियर। यानी कि द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ विच इंक्लूड्स लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ सपोर्ट करता है ऑब्वियसली, इसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे अर्थ के, प्लेनेट के, इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर भी इसी बायोस्फीयर में आ जाते हैं, ठीक है। जो बायोस्फीयर है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में एब्सेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में जहां पर नेगेटिव में 60 डिग्री टेम्परेचर है, या फिर वॉल्केनोज के अंदर है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, या फिर डीप सीज है जहां पर ना तो न्यूट्रिएंट है, ना सनलाइट है, ना सर्वाइवल के लिए और कोई कंडीशंस हैं, वो एनवायरमेंट हैं लेकिन वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो बायोस्फीयर नहीं होगा, राइट। और बायोस्फीयर में एनर्जी कहां से आती है, मेनली सन से आती है, यानी कि प्राइमरली इस प्लेनेट अर्थ पे जो एनर्जी हुआ है उसका सोर्स है सन,
बायोस्फीयर यहाँ पे क्लियर है। तो हमने क्लियर कर लिए कि हमारे पास कौन कौन से लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोमैन, बायोस्फीयर। ये देखिए अगेन वही एग्जांपल है, पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख लीजिएगा।